कह दी है अभीरा ने अरमान से वो बात जो अरमान कब से सुनना चाहता था। अभीरा ने कह दिया है अरमान को आई लव यू और फैसला किया है अपने रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए। प्यार का इजहार हो और रोमांटिक डांस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं अभिमान का ये रोमांटिक डांस। इमोशन से उठाना स्टार्ट करेगा उससे योर माइंड। अरे अरे मेरा प्रपोजल खराब मत करो। देखो तुम्हें मुझे हाँ दे दो, जल्दी से हाँ बोल दो और इसे खोलो। चलो हम दोनों के लिए जब मैं आया था शो में तब भी मुझे पता था कि कुछ एपिसोड्स के बाद जब आपकी एक्टर्स के साथ केमिस्ट्री बन जाती है, डायरेक्टर के साथ केमिस्ट्री बन जाती है, ऑडियंस जब आपको एक्सेप्ट करने लग जाती है, तो सब चीज़ें एक वन सब लोग एक प्लेट में आ जाते हैं। सो मुझे पता था कि ऐसा होगा कि जहाँ पर आई विल बिकम अरमान, क्योंकि जब आप नया कैरेक्टर शुरू करते हैं तो आप ही वो कैरेक्टर बनाते हैं, बट आप किसी और के कैरेक्टर में जब आपको डाला जाता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होती है, लोग आपको बहुत गौर से देख रहे होते हैं। हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर कोई अलग अलग तरह से एक ही चीज़ को करता है। मेरा तरीका बिल्कुल अलग था शुरू से और अभी भी बिल्कुल अलग तरीका है। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, डायरेक्टर्स और जो पूरी की पूरी डायरेक्शन टीम है, पूरा का पूरा जो यूनिट है, उन लोगों ने बहुत हेल्प की, अब भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम सब सीन्स अपने हिसाब से करते हैं। तो असिस्टेंट, ये हमारे एसोसिएट डायरेक्टर यहाँ पर खड़े हैं, इनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, डायरेक्टर की तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इट्स अ टीम वर्क, सब लोग मिलकर एक कैरेक्टर को बनाते हैं और हर दिन उसको बनाना पड़ता है क्योंकि हर दिन उसकी ज़िंदगी में नए नए आयाम आते रहते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना लोग कनेक्ट हो गए हैं कैरेक्टर से। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। फैंस को यही मैसेज है दैट आई लव यू एवरीवन। जिस तरह से आप लोग प्यार करते हैं, जिस तरह से आप लोग सुबह उठते ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आके अपना प्यार दिखाते हैं मेरी तरफ, मैं भी उस प्यार को रिसीव करता हूँ उसी टाइम पर। सो बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है टू वर्क हार्डर और दिल से काम करने की, क्योंकि दिल से दिल का ही मामला है। तो थैंक यू सो मच।